आदाब। पर्पल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। खबर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। जहानाबाद बिहार से हम लोगों के सामने दुर्गा पूजा पंडाल के दिन एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर आई जो अभी कुछ दिन पहले बंगाल से हम लोगों के सामने आई थी, पर बंगाल में कोई राइट्स नहीं हुए। बस बंगाल से खबर आई कि कुछ हिंदूवादी संगठनों ने किस तरह से दुर्गा पूजा पंडाल में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की, पर बिहार के जहानाबाद में इससे ही उल्टा एक मामला देखने को मिला, जहां दुर्गा पूजा पंडाल विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर यह बताया गया कि कुछ लोगों ने पथराव किया और पथराव करने के बाद देखते ही देखते वहां पर सांप्रदायिक रंग का माहौल बन गया। जो आस्था से दुर्गा पूजा का विसर्जन करने के लिए जा रहे थे वो लोग उस चीज को भूल करके अब हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए। पर बात यहाँ सिर्फ दुर्गा पूजा में फैली हिंसा की ही नहीं है, ऐसी आए दिन तस्वीरें हम लोगों के सामने आती है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब भी बिहार में, जब आपको याद हो कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो ऐसी ही हिंसा को जंगल राज का नाम दिया जा रहा था, पर अब नीतीश का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है तो इस जंगल राज की तस्वीरें हम लोगों के सामने आने नहीं दी जा रही। पर भले ही वो लोग इन मुद्दों से भटकाएं, हम हर उस मुद्दे को आप लोगों के सामने रखेंगे। पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बिहार के जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, शहर की कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। इस बीच पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जहानाबाद में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ, सड़कों पर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, पुलिस के बल प्रयोग कर स्थिति पर नियंत्रण किया। हुड़दंगियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी। आरोप के मुताबिक विसर्जन के दौरान निकाले गए जुलूस पर कुछ लोगों ने पथराव किया जिससे स्थिति भड़क गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी सड़क पर जमकर हंगामा किया, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की गई और कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पा सकी। पूरे इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है। इस दौरान पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई। आपको बता दें कि विजयदशमी बीत रही है, बेटी ने खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा दिए हैं, बाहर पटाखों की आवाज एक पर एक सवार खिड़कियों को हिला रही है। छत पर बैठा था लेकिन पटाखों के धुएं की वजह से नीचे आकर कमरे में बंद हो गया हूँ। जानता हूँ इतना पढ़कर कुछ मित्र चिढ़ उठेंगे, कहेंगे यह एक बीमारी धर्म निरपेक्ष की बढ़ है, इसे हिंदू धर्म का कुछ भी बर्दाश्त नहीं। दिन में एक पुराने छात्र ने फोन किया, विजया पर एक एक दूसरे से मिलने का रिवाज है, आने पर बताया कि उनके इलाके में थोड़ा तनाव है। छोटे से पार्क में पहले बच्चे छोटा रावण बनाते थे, पास एक बड़ा पार्क था जहां बड़ा रावण जलाया जाता था, आज छोटे पार्क में भी बड़े पार्क में के रावण से भी बड़ा रावण बना दिया गया है। पुलिस इस चिंता से पहुंची कि इतने बड़े रावण में लगे पटाखों से घनी बड़ी बस्ती में दुर्घटना ना हो। पुलिस और मोहल्ले वालों के बीच बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे नेता जनता के इस धार्मिक अधिकार की रक्षा के लिए बीच में कूद पड़े, पुलिस वाले और मुश्किल में पड़े। बहस चली ही रही थी कि हमारे छात्र वहां से चले आए। इस बीच असम से एक और युवा मित्र ने एक दुर्गा पूजा पंडाल का फोटो भेजा, दुर्गा तो महिषासुर की हत्या कर रही है,
पुलिस वाला घुसपैठिया रूपी राक्षसों को पकड़कर बाहर निकाल रहा है। उसे अत्यंत ही संतोष से निहार रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, उनका हाथ पुलिस वालों के लिए या तो शाबाशी में है या आशीष में उठा हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन राक्षसों को पकड़ा जा रहा है वे श्याम वर्ण है। उसने लिखा कि और पंडालों में बालकोट, पुलवामा आदि का चित्रण भी किया गया है। तस्वीरें भेजते हुए युवा मित्र की अपने असम की मानसिकता में हो रही तब्दीली पर निराशा और तकलीफ मुखर थी। तस्वीरें दुर्गा पंडाल उस राम मंदिर की तरह बनाए गए थे जो ध्वस्त कर दी गई बाबरी मस्जिद की जगह बनाया ही जाना है। असम को छोड़ दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री ने जिस पंडाल में मंच से रावण के पुतले पर तीर साधा, वह भी इस इच्छित राम मंदिर की तरह ही बनाया था, जिसे अब अवश्यम भावी बताया जा रहा है। तो राम अब उस शक्ति पर हावी हो गए हैं कभी जिसको उन्होंने आराधना की थी, क्योंकि रावण से समर में वे पीछे धकेले जा रहे थे। इसी दुर्गा पूजा में क्यों 2 महीना पहले संपन्न कांवर यात्रा में जितना भोले बाबा की याद की गई उससे ज्यादा राम जी की नहीं। जय श्री राम की पार्वती ने जब शिव से राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की होगी तो क्या सोचा होगा कि उनके भोले के अवसर पर भी राम कब्जा लेंगे। बिहार से एक युवा अध्यापक मित्र का फोन आया, अष्टमी के दिन जुलूस निकले, जय श्री राम के नारे उत्तेजक और फूहड़ गाने, दुर्गा पूजा में राम की जयकार के क्या मायने। लेकिन अब ये हर हिंदू त्योहार में होने लगा है, त्योहार किसी भी देवी देवता का हो नारे श्री राम जी के जय के लगाते हैं। बेचारे शेष देवगण राम का ये प्रभुत्व मानने को बाध्य हैं। उनके पास ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद से, सब जय श्री राम की सेनाएं हैं। उन्होंने बताया कि कई जगह दुर्गा के हाथ में तिरंगा थमा दिया गया है। ये तिरंगा कोई भगवती के भक्तों ने नहीं, उन्होंने थमाया है एक राजनीतिक दल की तरफ से। हर हिंदू धार्मिक अवसर पर आरोपित किया जा रहा है कि हिंदू जैसे राष्ट्रवादी दिखने के लिए मजबूर हो। अब धार्मिक जुलूसों में उत्तेजक हिंसक गाने बजाए जाते हैं और उनका निशाना मुसलमान है। धार्मिक हिंदुओं को अपने धार्मिक अवसरों का इस प्रकार अपहरण किए जाने पर कोई आपत्ति हो इसका कोई परिणाम नहीं। मुझे अपने बचपन की पूजा याद आती है। ये नहीं कि उसमें हिंसा का निषेध था, लेकिन वह समाज के किसी भी तबके के खिलाफ ना थी। वह हिंसा अवश्य ही प्रचंड रही होगी, वरना अभी कैसे बाहर आ रही है। लेकिन दुर्गा पूजा में भगवती के जाने की घड़ी करीब आने पर नवमी के दिन पंडाल में मुझे भक्तों की आंखों से छरछर बहते आंसुओं पर अपनी बाल सुलभ हैरानी अब तक याद है। बाद में भी बड़े होते जाने पर मेरी नास्तिकता के कारण मेरे पास उनकी इस आलुकता की व्याख्या न थी, सिवाय इसके लिए यह एक प्रकार की भावुक मूर्खता है। लेकिन दशमी के दिन विसर्जन में अपना हृदय कठोर कर दुर्गा को विदा करने के भाव नृत्य में बिना शामिल हुए भी शामिल रहता है, जिसमें वे नाचते हुए गाते थे या गाते हुए नाचते थे। ओ आम दिंगबरी नाचो को, ये बंगला का वाक्य है, दुर्गा के दिगंबर रूप की आराधना है। क्या आज किसी के पास इसकी स्मृति होगी? आकाश ही वस्त्र हो जिनका, जिन्हें किसी सांसारिक वस्त्र की दरकार ना हो। हम नवरात्र नहीं कहते थे, यह पूजा थी, दशहरा था, इसमें हर दिन का अपना महत्व हुआ करता था। पंचमी की कलश पूजा, षष्ठी को दुर्गा की आंखें खोलने का दिन, मत करने वाली ढाक ध्वनि, धूप का धुआं और मनहोनी गंध, पंडाल में ढाक की थाप और धूप नृत्य। दुर्गा की आराधना माँ यानी बेटी के रूप में होती थी। इसकी कारण दशहरा के वातावरण में सिंध पवित्रता व्याप्त हुआ करती थी। दुर्गा पूजा का मतलब बच्चों के लिए उड़हुल फूल खोज थी।
रक्त उड़हल दुर्गा को पसंद जो थे, हम पंडाल पंडाल घूमते थे दुर्गा की आंखें देखने के लिए, कानों तक खींचे हुए दुर्गा के नेत्रों में क्रोध है या वात्सल्य, हम इसके बारे में चर्चा करते थे। मुड़कर याद करने पर लगता है बहुत कुछ था जो हमें बुरा लगना चाहिए था, मसलन आदिवासियों के पड़ोसी होते भी हम पंडों में उन्हें ढाक बजाने वालों से आगे भी कभी पूजा में शामिल नहीं किया, या कभी महिषा सुरमा नंदी दुर्गा और मायके आई बेटी की आराधना एक साथ होते हमने प्रश्न नहीं किया। ये सब कुछ हमारी सामाजिक असंवेदनशीलता के कारण था, लेकिन पूजा में हर किसी को खुद को संत करने का प्रयास करते हुए, अवसर की उदारता को अपने भीतर भरने का प्रयास करते देखा। शुद्रता तब भी हुआ करती ही होगी, लेकिन वह इन 10 दिनों में निगाहों से ओट हो जाया करती थी। वो दिन विदा हो गए दुर्गा जब गुलाम बना ली गई है राष्ट्रवाद की, फिर उनसे वही काम लिया जा रहा है जो डरपोक कपटी देवताओं ने कभी लिया था, जब उन्होंने उनकी आड़ में महिषासुर पर वार किया। यही तो वो कहते हैं जो खुद को महिषासुर का वंशज बताते हैं। निश्चय ही वे पशुपालक समुदाय का उभरता हुआ नेता रहा होगा, जिसकी बढ़ती ताकत से देवता घबरा गए होंगे। जाने कितनी कहानियां हैं इंद्र के सिंहासन के खतरे में पड़ने और उनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मदद की दुहाई लेकर भागने के। इस किस्से में इसलिए दम है, अगर कई ऐसे हैं जो महिषासुर की आराधना करते हैं, तो क्या हमने कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की? क्यों हमारी पूजा पूजा है और उनकी पूजा हमारी संस्कृति में व्याधना? अब दुर्गा की आड़ में आक्रमण मुसलमानों पर किया जा रहा है, और हम जो खुद को दुर्गा के भक्त कहते हैं, ये होने दे रहे हैं हर जगह। लेकिन ऐसा ही नहीं कि बंगाल में एक पंडाल में कुमारी पूजा ने मुसलमान बालिका की पूजा की गई। इस प्रथा की जेंडर की दृष्टि से आलोचना हो सकती है, लेकिन जिस परिवार ने मुसलमान लड़की की पूजा की, उसकी भावना की ईमानदारी में कोई संदेह नहीं। वैसे ही जैसे कोलकाता के एक पंडाल में सर्वधर्म के प्रति सद्भावना की टीम पर एक वीडियो प्रदर्शित किया गया, जिसमें ओम के साथ अजान की ध्वनि भी थी। आपको इसका अंदाजा करने की मेहनत नहीं करनी कि किसे ये अजान की ध्वनि कर्कश और असंगत लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद आदि ने पंडाल के आयोजकों पर आक्रमण किया और उन पर हिंदू भावना को आहत करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। पंडाल के संयोजक हिंदू ही हैं, लेकिन उन्हें हिंदू ना कहकर धर्मनिरपेक्ष कहकर लांछित किया जा रहा है। उनकी भावना क्यों नहीं हिंदू मानी जाए, और क्यों ना इन दलों को ये अधिकार दे दिया जाए कि वह हिंदू भावना के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर हर किसी की भावना की नाप झोंक रहे हैं। एक दूसरे पंडाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद नुसरत जहां के दुर्गा प्रतिमा के समक्ष प्रार्थना की तस्वीरें इसी बीच प्रसारित हुई। बंगाल में मुसलमानों की ओर से कोई विरोध हुआ हो इसका अंदाजा नहीं, लेकिन मीडिया ने आखिर दारुल उलूम देवबंद के एक मौलवी साहब से राय ले ही ली। उन्होंने कहा कि इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी और के आगे, किसी बूत के आगे सिर झुकाने की इजाजत नहीं देता। नुसरत अभी भी मुसलमान बनी हुई है और धर्म बदलने की सलाह उन्होंने नहीं मानी है। उन पर किसी मुकदमे की हमें खबर नहीं है, न किसी आजम खान ने, न किसी असदुद्दीन ओवैसी ने उनके खिलाफ बयान दिया, लेकिन स्वर्ग धर्म सद्भाव का दुसाहस करने वाले हिंदू दुर्गा भक्त के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं के एक बयान के, एक राज्य के राज्यपाल का अपने धर्म में जीने और मरने की नसीहत देता ट्वीट घूम रहा है। जो अजान नहीं सुनना चाहते वो लोग नुसरत की इस दुर्गा भक्ति पर विभोर हैं, लेकिन उनके भाई बंधु दूसरी जगहों पर डांडिया के पंडाल में आने वालों का पहचान पत्र मांग रहे हैं, जिसे कहीं मुसलमान उसमें घुस ना आए।
जब दुर्गा पूजा ही नहीं हर प्रकार के पवित्र अवसर पर संकीर्ण क्षुद्र सांस्कृतिक मुसलमानों और पाकिस्तान विरोधी घृणा काबिज हो रही है, इस तरह के प्रयास संतमाना है। अभी हिंदू समुदाय में मित्रता की ऊष्मा बची है कि वह अपने पवित्र अनुभव में दूसरों को आमंत्रित कर सकता है। इस वर्ष के शरद की गंध पर शेष है। दुर्गा मायके में अपना संक्षिप्त प्रवास करके पगले पति के पास लौट चुकी है, लेकिन पीछे रह गया है घृणा के मद में चूर एक समाज। उस समाज में स्वागत भाव ही लुप्त तो हो रहा है, वह अपनी बेटी की अगवानी भी कैसे करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह विसर्जन के दौरान हम लोगों के सामने हिंसा की खबर आई। ये तो सिर्फ बिहार के जहानाबाद की खबर थी, पर अब लगातार ये देखने को मिल रहा है कि धार्मिक जुलूस को निकालने की आड़ में एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है। पहले उधर से रैली लेकर के जाओ और फिर ये कहो कि पथराव हुआ, और फिर उसके बाद उन्हें कहो कि पाकिस्तान जाओ। हमेशा मुस्लिम इलाकों में जाते ही ये जुलूस पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? यहाँ ये सवाल कासगंज की हिंसा के बाद से खड़ा हुआ, तो वहीं अब परिभाषाएं और आस्था की आड़ में अब अपना अपना रंग और अपने अपने चश्मे से हर किसी को देखा जा रहा है। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कावड़ यात्रा हो, चाहे कोई भी आस्था हो या कोई भी ऐसा धार्मिक जुलूस, हर जुलूस को अब श्री राम भगवान ने हाईजैक कर लिया है, क्योंकि अब धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। और अब इसकी तस्वीरें भी हम लोगों के सामने आने लगी हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।